नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम कोई कार्य शुभ कर रहे हैं तो उसके लिए हम शुरुआत भगवान गणेश से ही करते हैं। चाहे भगवान गणेश का भोग हो या फिर उनकी आरती, उनका नाम लेकर ही अपने शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। लेकिन राशियों के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो भगवान श्री गणेश के कौन से मंत्र से जप करना चाहिए ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, जानते हैं इस वीडियो के दौरान। यदि मेष राशि वाले भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं तो किस मंत्र का उच्चारण करें। यदि मेष राशि वाले अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और अपने जीवन में हमेशा सामंजस्य चाहते हैं, समानता चाहते हैं और अपने जीवन को एकदम खुशहाल रखना चाहते हैं तो गणेश भगवान की आराधना जरूर करें। लेकिन गणेश भगवान की आराधना के साथ साथ आप उनके द्वारा एक मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम वक्र टुंडे हे नमः, इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार जप करना होगा। आप कहीं भी एकांत में बैठकर या फिर माला को लेकर भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यदि इस मंत्र का उच्चारण आप लगातार करते हैं और अपने जीवन में समय अनुसार करते हैं तो उसके फायदे बहुत होते हैं। भगवान गणेश आपकी जल्दी ही आपकी इच्छा पूर्ति कर देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने नियमों पर जरूर ध्यान देना होगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक दिन उठकर भगवान का जप कर लेते हैं लेकिन अगले ही दिन उनका टाइम शेड्यूल बिगड़ने की वजह से वह जप नहीं कर पाते हैं या फिर जॉब पर जाने की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसा समय निकालिए जिसमें कि आप जॉब पर बैठे बैठे भी आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन आप स्नान करे बिना ये कार्य नहीं कर सकते हैं। आप सुबह उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वहां बैठकर भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, उसके आपको अचूक फल मिलेंगे। तो ये है मेष राशि वालों को किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।